अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के करीबी की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत हुई है। आदित्य नारायण की बरेली में हुए सड़क हादसे में जान गई, संदिग्ध मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी ने गृह विभाग समेत कई विभागों का देखा प्रेजेंटेशन। 100 दिनों में एसटीएफ अयोध्या यूनिट के गठन के दिए निर्देश। पुलिस सुधार के लिए भी सीएम योगी ने दिए कई निर्देश। बीएचयू सभागार में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक डॉक्टर कुंबर साहनी की पुस्तक वास्तु बोटानिक्स का किया विमोचन। काशी का एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के प्रेसिडेंट सुधीर मिश्रा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा अमरनाथ पर भी लिखे पुस्तक। नामी सरकार में बनाए जाएंगे 100 दर्जाधारी मंत्री। 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में होगा मंथन। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर संगठन की ओर से मिली हरी झंडी। कानपुर में नाली खोदने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवक को ने एक बुजुर्ग की पीट पीट करके हत्या कर दी। वारदात नौबस्ता के गडियरनपुरम इलाके में अंजाम दिया गया। आरोपी युवक वारदात के बाद से फरार। कुशीनगर में युवती का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। युवती के ऊपर नोट बरसाते लोग दिखाई दे रहे हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुखरौली नगर पंचायत का यह वायरल वीडियो है। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मेरठ में मंचले की बीच सड़क पर की गई पिटाई। छात्रा के भाई ने मंचले को पीटा, फोन करके परेशान करता था मंचला। लड़की के भाई ने रंगे हाथों पकड़ा, सबक सिखाया। पब्लिक ने वीडियो बनाई। थाना सिविल लाइन के आरजी डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बाहर का मामला। शाहजहांपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से बगावत कर सपा में शामिल हुए तेलहर के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को पूर्व विधायक ने दी थी चुनौती। हाल ही में राजस्व विभाग की टीम ने उनकी सरकारी संपत्ति की कराई थी जांच। शामली में 8 अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से की कार्रवाई। अतिक्रमण की वजह से राजधानी मार्ग पर लगता रहा जाम। मायावती ने की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं गरीब। कहा, देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा, सरकार को दी सलाह।